गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक बाइनरी ट्री का किस तरह से किया जाता है और हम उसका कोड भी लिखेंगे उसके बाद सी लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, इन ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। प्री ऑर्डर होता है हमारा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट, फिर लिखते हैं हम लोग राइट। अगर प्री ऑर्डर है तो हम लोग रूट को यहाँ लगा देते हैं, मैं आर ओ लिख देता हूँ रूट को, इसको आर आई लिख देता हूँ, इसको एल ई लिख देता हूँ। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारा होता है तो लेफ्ट को लेफ्ट में लिखेंगे, राइट को राइट में लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट मतलब बाद में होता है, इसलिए यहाँ पर रूट को एंड में कर देंगे। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब कि लेफ्ट और राइट के अंदर, ठीक है, लेफ्ट और राइट के अंदर जो है रूट आ जाएगा। तो ये है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जिसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इस बाइनरी ट्री का क्या होगा। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब है लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट सब ट्री को आप लोग देखें, लेफ्ट सब ट्री के बाद, और फिर एट दी एंड, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पर, मुझे लेफ्ट रूट और राइट यहाँ पर लिखना था, तो मैं यहाँ पर यार क्यों ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ और इस गलती को सुधारना होगा। और अब जो है मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ टाइम को बचाते हुए, रूट और उसके बाद राइट, ठीक है, ये है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट रूट और राइट हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। कैसे करना है, करना कुछ ऐसे है कि भाई रिकर्सिव फंक्शन लिख दो जिसके अंदर आप लोग एक ही फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करोगे। बट मैं यहाँ पर ट्री में पहले बता देता हूँ कि यार सबसे पहले आप लोगों को लेफ्ट सब ट्री को देखना है, ठीक है, आपको भूल जाना है सब कुछ के बारे में, आपको पहले लेफ्ट सब ट्री को देखना है कि भाई ये जो सब ट्री है इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है। तो मैं अगर इसको सब ट्री वन नाम दे दूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि सब ट्री वन का जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर, उसके बाद आप लोगों को रूट नोड को लिखना है, रूट नोड तो फोर है तो फोर ही रहेगा, और उसके बाद राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में सिक्स है बस नोड, तो यार इसको किसी भी तरीके से आप ट्रैवर्स करो, इसमें क्या आएगा आपका सिक्स ही आएगा, यार सिक्स है तो सिक्स ही आएगा, ठीक है, आप उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लो, आप उसका पोस्ट ऑर्डर कर लो, प्री ऑर्डर कर लो, सिक्स है तो सिक्स ही आएगा ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट रूट और राइट हमने यहाँ पर लिख दिया, अब सब ट्री वन को हमें रिजॉल्व करना है। तो सब ट्री वन जो है एक बहुत ही सिंपल सा बाइनरी ट्री है जिसमें कि रूट नोड वन है और उसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो पाँच है और राइट सब ट्री उसका दो है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो लेफ्ट सब ट्री है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे जो कि पाँच है, ठीक है, पाँच, और उसके बाद राइट सब ट्री लिखेंगे यानी कि दो, लेफ्ट के बाद हमने उसके बाद हम लोग रूट लिखेंगे, पाँच एक और दो। तो यार इसमें कन्फ्यूज होना जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई बात नहीं, ठीक है, पाँच एक और दो हमने जो है यहाँ पर कर दिया। तो पाँच पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद हमने एक लिखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने दो लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने चार और छः लिख दिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पर हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जल्दी से फंक्शन लिखते हैं हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा void और मैं लिखूँगा इन ऑर्डर, जो मेरा इन ऑर्डर फंक्शन है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करवाने के लिए एक फंक्शन बनेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा struct, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड स्टार रूट, ठीक है, नोड स्टार रूट, ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, यार मैंने आप लोगों को प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर बहुत डिटेल में बताया, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे ना तो आप वो वीडियोस जाकर देख लो पहले, इन ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बीच में से वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर आकर और उन लोगों ने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे होते हैं और ना ही उनको पता होता है कि यार ये DSA का कोर्स चल रहा है पूरा, इसलिए हर वीडियो में मुझे बताना पड़ता है। और जो लोग जो है देख रहे होते हैं कोर्स को स्टार्टिंग से वो थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि यार एक ही बात बार बार बताए जा रहे हो। एनीवेज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रूट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अगर रूट जो है वो नल नहीं है तब आप क्या करें, तब आप सिंपली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा दें। किसके लिए, आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यानी कि सेम चीज़ को आप किसके लिए करें, लेफ्ट सब ट्री के लिए। तो आप कहेंगे कि रूट का जो लेफ्ट है, रूट का जो लेफ्ट है उसके लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आप लगा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अब आप रूट को प्रिंट कर दें, तो प्रिंट एफ लगेगा यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट एफ लगेगा और यहाँ पर रूट का जो डेटा है वो डेटा नोड प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, रूट का डेटा प्रिंट होने के बाद, रूट का डेटा प्रिंट होने के बाद राइट, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन ऑर्डर, इन ऑर्डर और उसके बाद रूट का राइट, ठीक है, रूट राइट, और ये मैं एक बार ऐसे कर लूँगा तो बाकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि अगर रूट नल नहीं है तो ये रिकर्सिवली अपने आप को वापस से कॉल करेगा, और अपने आप को रिकर्सिवली वापस तब तक कॉल करता जाएगा जब तक कि रूट नल ना हो जाए। यानी कि क्या होगा कि सबसे पहले ये इस वाले नोड के लिए चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे ये फंक्शन एंटर करेगा तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की एक स्टैक बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टैक बना देता हूँ और मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि यार ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इसकी स्टैक बनेगी सबसे पहले, तो इस पर क्या करेगा, एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो फंक्शन है वो डाल देगा। ये कहेगा इन ऑर्डर कॉल करो किसके लिए, इस फोर वाले नोड के लिए, ठीक है। जब ये फोर के लिए कॉल कर रहा होगा तब क्या होगा कि इसको एक कमांड मिलेगा कि इन ऑर्डर लेफ्ट के लिए कॉल करो। तो ये क्या कहा, एक मिनट रुको, इन ऑर्डर पहले वन के लिए कॉल कर दो। तो ये इन ऑर्डर कॉल करेगा वन के लिए, तो मैं INOR1 लिख देता हूँ कि भाई इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वन के लिए आप कॉल करें। इनफैक्ट यार आई कैन डू अ बेटर जॉब इसको यहाँ पर लिखने में, मैं बड़ा नाटक कर रहा हूँ, इसको मैं शायद ढंग से लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ज़रा ढंग से लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक डब्बा बनाऊँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ इन लिखूँगा। सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फोर के लिए चलेगा, जब फोर के लिए चलेगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तब इसको अचानक ही कमांड मिलेगा, नहीं लेफ्ट के लिए चलाओ, ठीक है। यानी कि फोर वाला तो चल रहा है अभी, फोर वाला एग्जिट नहीं हुआ है, वो स्टैक जो है वो नष्ट नहीं हुई है। वो अभी यहाँ पर क्या होगा कि इस स्टैक के बीचों बीच इसको एक और कमांड मिल गया सेम फंक्शन को चलाने का वन के लिए। तो ये बोलेगा चलो ठीक है यार इन ऑर्डर वन, ठीक है। कुछ ऐसा समझ लो कि आपकी मम्मी ने आपको चाय की पत्ती लेने के लिए भेजा मार्केट में, और रास्ते में आपके दोस्त ने बोला कि यार ज़रा ये नंबर डायल करना। तो जब आप वो नंबर डायल कर रहे हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वो चाय पत्ती नहीं लाओगे, बस आपने अचानक से जो है वो जो चाय की पत्ती लाने वाले थे उसको पॉज करके आपने कहा चल ठीक है तेरा नंबर डायल कर देता हूँ पहले, जो आपके दोस्त ने आपको बोला कि नंबर डायल कर दे, और एक बार उसका काम हो गया तो आप क्या करेंगे कि चाय की पत्ती लाना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होता है, वो मैंने सी लैंग्वेज वाले कोर्स में ये बातें बता रखी हैं। फिर जब ये इन ऑर्डर वन के लिए जाएगा तो इसको कमांड मिलेगा लेफ्ट सब ट्री को पहले करो आप पूरा। तो लेफ्ट सब ट्री को जब ये कर रहा होगा तो यहाँ पर इन ऑर्डर कॉल होगा फाइव के लिए, ठीक है। फिर जब ये आएगा इसके अंदर तो यहाँ पर क्या होगा कि इस नोड के लिए जो इन ऑर्डर वाला फंक्शन था वो नल के लिए तो चल नहीं सकता, तो एग्जिट हो जाएगा। भाई यहाँ पर और यहाँ पर तो नल लगे हुए हैं ना, यहाँ ये पॉइंटर्स तो नल है ना, भले मैं इनको दर्शा नहीं रहा हूँ बट ये इसका जो लेफ्ट है और राइट है वो नल है ना। तो वही बात है, अब यहाँ पर जब ये पाँच के लिए चल रहा है, यानी कि इन ऑर्डर पाँच के लिए चल रहा था तो पाँच से फर्दर ये नहीं गया, ये वाली कॉल जो है वो रिटर्न हो गई। यानी कि जब पाँच के लिए चल रहा था तो ये वाली कॉल डन कर दी इसने, रूट का लेफ्ट वाला चला दिया, नल था तो वो ऐसे एग्जिट हो गया। फिर प्रिंट एफ रूट डेटा होगा यानी कि पाँच को प्रिंट करेगा, तो वो कहेगा चलो लो जी पाँच को प्रिंट कर दिया, मान लो ये आपका एसटीडी आउट है, ठीक है। उसने पाँच को प्रिंट कर दिया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई और रूट राइट के लिए चलेगा, राइट वाला भी नल था तो वो भी चल के एग्जिट हो जाएगा एक बार में। क्योंकि यार जब इन ऑर्डर एक नल पॉइंटर के लिए चलेगा तब क्या होगा, इफ़ के अंदर घुसेगा नहीं और ऐसे ही एग्जिट हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक अ फंक्शन जो कि कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो ये IN5 जो है वो चल चुका हाँ बिल्कुल चल चुका, तो ये जो स्टैक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो है IN1 के लिए जब ये चल रहा होगा तब यहाँ पर क्या था, IN1 वाली कॉल में जब मैं वापस आऊँ तो वहाँ पर क्या हुआ था, तो ये जब IN1 के लिए चल रहा था तो क्या होगा, इसके बाद लेफ्ट वाला तो इसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये रूट प्रिंट करेगा और उसके बाद ये राइट प्रिंट करेगा, तो ये IN1 के लिए भी अब चल चुका है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रैक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। फिर फाइनली ये ऊपर आएगा, 512 जो है वो चल चुका है हमारा। अब ये फोर वाले के लिए जो चल रहा था, ये लेफ्ट सबट्री तो इसने फिनिश कर लिया, अब रूट प्रिंट होगा और उसके बाद राइट सबट्री प्रिंट होगा 6, ठीक है। सो 512 4 6, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने कैसे निकाला था, हम लोगों ने ऐसे निकाला था कि यार पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये एक ब्रैकेट हमने बना दिया था यहाँ पर, हमने कहा था फिर फोर आएगा, उसके बाद सिक्स है तो सिक्स ही आएगा ये वाले राइट सब ट्री का। अब लेफ्ट सब ट्री नंबर वन जिसको हमने दिया था उसको हमने रिजॉल्व किया था, तो लेफ्ट रूट और राइट आएगा 512, ठीक है, 512, ठीक है। तो 512 4 6, अब इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आप याद रखने के लिए कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नोट्स ऑर्डर में है। देखो 5 के बाद 1, 1 के बाद 2 आ रहा है, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ इस डायरेक्शन में तो आपको सबसे पहले 5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो कुछ ऐसा समझ लो आपकी पहले 5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या होगा, प्री ऑर्डर में आप क्या करते हैं कि रूट को पहले खींच लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको याद रखने के तरीके बता दिया, आई थिंक दिस शुड बी इनफ, ये तीनों ट्रैवर्सल्स के क्या ऑर्डर हैं ये आप लोगों को याद करने का तरीका मैंने बहुत अच्छा बताया ऑलरेडी। अब हम लोग क्या करेंगे,
कि ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा वीएस कोड में, इसको कोड कराऊंगा। फिर अगले वीडियो में जो आप लोगों को टेक्निक बताने वाला हूँ ना, वो बहुत खतरनाक टेक्निक है यार। उससे तो आप कितने बड़े भी ट्री आपको मिल जाए, आप एक मिनट में बता दोगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक बार में प्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी बता दोगे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीएस कोड में चलेंगे और उसके बाद जो है हम उस टेक्निक की चर्चा करेंगे जिसकी मैंने आप लोगों को बात करी थी। वो जो टेक्निक है वो अगले वीडियो में आएगी। इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत क्विकली कोड करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को। और क्विकली मैंने क्यों बोला ये आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी कोर्स बना रखा है जिसमें कि मैंने इन ऑर्डर सॉरी प्री और पोस्ट ऑर्डर ऑलरेडी बता रखे हैं, तो उसमें मैंने डिटेल कवर कर रखी है। बट हाँ, मैं आप लोगों को अच्छे से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी समझा देता हूँ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर वीएस कोड के अंदर अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की कोर्स वाली प्लेलिस्ट में। अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना एक्सेस। सारे वीडियोस यहाँ पर मैंने शुरू से डाले हुए हैं, एकम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हुए। अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने आप लोगों को प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में बताया था, और मैंने यहाँ पर ट्री भी कंस्ट्रक्ट किया था। और ये ट्री को जिस तरह से दिखाई देता है, पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि मैंने बहुत क्विकली बता दिया पोस्ट ऑर्डर वाला। प्री ऑर्डर में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था कि कौन से ट्री के करस्पॉन्डिंग मैंने बताया है। तो अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो यार आप लोगों को प्री ऑर्डर से देखना चाहिए ये ट्रैवर्सल वाले वीडियोज़। इनफैक्ट उससे भी पहले से देखने चाहिए जहाँ पर मैंने ट्रैवर्सल क्या होते हैं डिस्कस किया हुआ, यानी कि ये वाला वीडियो ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जल्दी से एक नया ये बनाऊँगा फाइल 69_inorder, ठीक है, .c। और मैं जो सेम चीज़ है, ये सेम कोड मैंने कॉपी किया हुआ है अपने पोस्ट ऑर्डर वाले वीडियो से। मैंने प्री ऑर्डर का एक अलग फंक्शन बनाया, पोस्ट ऑर्डर का अलग फंक्शन बनाया, और इन ऑर्डर का फंक्शन जो है मैं बहुत ही सिंपली बनाऊंगा। आप देखना कैसे बनाऊंगा, आप भी कहोगे कि यार मज़ा आ गया। सिंपली मैंने क्या किया, ऑल्ट दबा के अप एरो की दबा दी, वीएस कोड का शॉर्टकट है जो कि एक लाइन को उठाकर एक कदम ऊपर ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट ऑर्डर, यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर को मैं इन ऑर्डर पर चेंज करूँगा क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। बस मुझे इतना करना होगा, ये जो पोस्ट ऑर्डर है इसको मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख दूंगा, ठीक है, इन ऑर्डर। और उसके बाद प्रिंट एफ ये इन ऑर्डर ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जहाँ मैंने प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर किए हैं, मैं अब यहाँ पर एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को भी प्रिंट करूँगा। इनफैक्ट मैं इसको ज़रा कॉमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ /n भी करूँगा इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई तीनों को एक साथ प्रिंट करने की। खैर, इसको भी अभी कमेंट आउट करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को जो है यहाँ पर लिखूंगा और मैं कहूँगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ पी, यानी कि मुझे पी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके दो। राइट क्लिक करके भी कर सकते हो रन कोड, ठीक है। यहाँ पर ये देखो आप लोग, यहाँ पर 51246 आ गया, और 51246 ये कौन से ट्री के लिए है, ये 51246 इस वाले ट्री के लिए, ये ट्री मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। जो लोग बीच से वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से बता दूं कि यार मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, और मैंने ये ट्री का कंस्ट्रक्शन पूरा आप लोग को बताया था कि कैसे लिंक किए गए हैं नोट्स सारे के सारे, बहुत बेसिक से बताया था, पूरा जीरो से बताया था इनफैक्ट। तो यार आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हो, 4 से 1 जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, 6 जुड़ा हुआ है राइट साइड पे, और उसके बाद 5 और 2 1 से जुड़ा हुआ है लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक है। तो ये है हमारा प्री पोस्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, दैट्स अबाउट इट। इतना ही आसान है ये, आप लोग खुद से कोड करना, सारा कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो आई होप यार कि आप लोग को ये कोर्स हेल्पफुल लग रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।